हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूज क्लास। हम पढ़ रहे थे टेंसेस। लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताया और आज के वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा फिर से डेफिनेशन बता देती हूँ कि ये टेंस क्या होता है। वर्ब इंडिकेट्स एक्शन इन अ सेंटेंस, क्रिया किसी भी सेंटेंस के एक्शन को बताती है। टेंस एक्सप्लेन द टाइम ऑफ एक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स, उसी क्रिया की मदद से टेंस उसकी टाइम को बताता है कि ये कब हुआ है, ये पहले हो चुका है या अभी हुआ है या ये बाद में होगा। अब प्रेजेंट टेंस के तीन प्रकार होते हैं, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हमने देख लिया, आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी, अदरवाइज़ हमारा चैनल जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। आप प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए हमारे टॉपिक्स को। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जिसे आपको याद रखना है और उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेना है प्लस ing, उसके साथ ing जोड़ना है। टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, मतलब ये उन एक्शन को बताता है, उन क्रिया को बताता है जो अभी हो रहा है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको पता होगा, जैसे सेल, सोल्ड, सोल्ड सेल फर्स्ट फॉर्म हुआ, सोल्ड सेकेंड फॉर्म हुआ और सोल्ड थर्ड फॉर्म भी हुआ। इसके और भी एग्जाम्पल हैं जैसे fall, fell, fallen, तो ये हम दूसरी क्लास में इसके डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अभी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जान लेते हैं और उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आई डैश टू म्यूजिक नाउ, ए लिसन्स, बी लिसनिंग, सी एम लिसनिंग, डी लिसन। I am listening to music now, जो अभी हो रहा है, मैं म्यूजिक अभी सुन रहा हूँ। She dash tennis, A plays, B is playing, C played, D playing. She is playing tennis, वह टेनिस खेल रही है। Next, I dash to trip tonight, A go, B going, C gone, D am going. I am going to trip tonight. इसमें ध्यान रखेंगे सब में आईएनजी लग रहा है, अंडरस्टैंड। पीपल डैश अ माउंटेन, ए आर क्लाइंबिंग, बी क्लाइम, सी वेयर क्लाइंबिंग, डी क्लाइम्स। पीपल, क्योंकि ये प्लूरल में है इसलिए पीपल आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स डैश पोएम्स इन क्लास, ए रिसाइट्स, बी रिसाइटिंग, सी आर रिसाइटिंग, डी वेयर रिसाइटिंग। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर रिसाइटिंग पोएम्स इन क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो से रिलेटेड डाउट कमेंट्स बॉक्स पे लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।